एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी। दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से? दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से? अभी हमारे पहले पूर्व वक्ता प्रकांड विद्वान पंडित अजय गौतम जी ने अपने विचार को रखा। उसने एक पीड़ा की कि गौ हत्या हो रही है, सरकारें कुछ नहीं कर रही, हिंदुओं का अपमान करना एक फैशन हो गया है। हमारे संत महासभा के वरिष्ठ संत पंजाब से आए हुए लुधियाना से पूज्य दाता राम जी महाराज ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने बात को रखी कि एक आयोग का गठन हो। ये आयोग की मांग हम लोग का संत समाज काफी समय से करता है। आपको बताना चाहते हैं, काफी समय से संतों पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है। देखो अभी जो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, एक नियम है, कोरम है कि किसी भी सभा का अध्यक्ष जो है, जो अध्यक्षता करता है, वो सबसे अंत में बोलता है। लेकिन मैंने खुद बोल करके इसको नियम को तोड़वाया कि नहीं। अभी हमारे बीच में पूज्य पताल बाबा जी बैठे हैं। देखो संतों के हाथ में आकाश, पताल, धरती सब कुछ है। पताल बाबा बैठे, उन्होंने कहा ठीक है बोलिए, वैसे नियम तो नहीं है लेकिन बोलिए। उसका कारण क्या है कि हम क्लियर हो सके। अध्यक्ष तो सब कुल मिलाकर के मूल बताता है सबके वक्ताओं को, लेकिन यहां पे हम चाहते हैं कि सिर्फ हम विषय पे चले। जैसे राकेट एक छोड़ा जाता है तो सीधे गतिमान होते 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 मंजिल पे पहुंच जाता है। उस तरह संत समाज से जिस प्रकार से वार्तालाप हुई, बैठक हुई, हम देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में जो पीड़ा हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी की है, जो पीड़ा हमारे स्वामी कल्याण देव जी की महाराज की है, जो पीड़ा हमारे रामा भाई जी की है, जो पीड़ा हमारी बहन नीलम दुबे जी के अंदर है, जो पीड़ा हमारे संत घनश्यामानंद जी के हृदय में है, जो अजय भाई पटेल के हृदय में है, जो हमारे सभी संतों के हृदय में है, उस पीड़ा के समाधान के लिए अगर कुछ है, उसकी समाधान का मूल निकालना जरूरी है। हमारे संचालन कर रहे घनश्यामानंद जी ने बहुत अच्छी बात की। संत किसे कहते हैं? संत कौन है ये बताओ। जो संत मैं बन गया और चार लोगों को बुलाया और चारों लोगों को बुला करके मैं सुल्फा पिलाने लगा, क्या वो संत होगा क्या? तो जितने आप देख लो ड्रगिस्ट पकड़े जाते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, हीरोइनसी और क्या क्या जो बोलते हैं, तो उन्हीं को मान लो संत और बाबा हजोगे। मने कमाल की बात है कि पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। जितने अनैतिक लोग हैं नैतिकता समझा रहे। जो संत हैं हमारे वो बेचारे जेल में, और जो कुछ बचे हुए हैं वो यहां सभा कर रहे हैं। हमने जब फोन किया, कुछ लोगों को पता चला, व्हाट्सएप पे भेजा, सिर्फ व्हाट्सएप के सुन करके देखो ऐसे ऐसे भक्त हैं। लखनऊ से अरुण श्रीवास्तव देखो वहां धूप में पसीना पोंछ रहे, लखनऊ से अपने दोस्तों के साथ मित्रों को लेकर के चल दिए, सिर्फ इसलिए कि संतों की पीड़ा दूर कैसे करें। आप देखो वहां चश्मा लगाए हुए हैं जजय श्रीवास्तव जी, वहां पे काले चश्मा। ये वही शख्स है जब दाऊद जी का घर नीलाम हुआ था तो सबसे पहले लेने वाले शख्स थे। आज वो संतों के लिए फुटपाथ पे खड़े हैं एक आशा और विश्वास के साथ। वो दिनेश भी बच्चा है, वो भी हमारा प्रदेश का, वो भी आया है, किसी को बुला नहीं, ऐसे ही चल दिए। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर, हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातनियों में बड़ी ताकत है। सवाल इस बात का है कि हम उस ताकत को एकजुट कैसे करें। 2014 में बड़ी कुछ सपना सजो करके अजय जी जो बोल रहे थे, हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनवाई,
समर्थन किया। देखो भाई आवाज कम, सरकार बन गई। जब देश को सींचना था खूनों से तो सींचा संतों ने। जब देश को सींचना था खूनों से तो सींचा सनातन धर्मियों हिंदुओं ने। और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। आज एक बार नहीं तीन तीन बार देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि जितने गो भक्त है गो रक्षा के नाम पे गो हत्याएं कर रहे हैं, ये अराजक तत्व है। जबकि सच्चाई ये है अजय जी गो रक्षा का काम करते हैं, स्वामी कल्याण देव जी महाराज गो रक्षा का काम करते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी और पाताल बाबा ने गो रक्षा के लिए जीवन लगाया है। वो जानते हैं कि गो रक्षक कोई भी अराजक तत्व तो नहीं है, बल्कि जितने गो तस्कर है वो सब अराजक तत्व तो है, वो सब अपराधी है। तेजाब लेकर के चलते हैं गाड़ियों में और कोई गो रक्षक आता उसको फेंक देते। अब तो जुल्म की इतनी इंतहा हो गई आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि गोरक्षक किस तरह पूरे देश में मारे जा रहे हैं। जहां भी गोर हत्यारे गोर तस्करी को जा रहे हैं गोरक्षकों को, चूंकि प्रधानमंत्री का आदेश है। आज अगर जो गो हत्या हो रही है पूरे देश में तो इसका पूरा सरकार को जाएगा। आज हम बताना चाहते हैं, आज महामहिम राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को इसी निमित्त ज्ञापन भेज रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का केस हम देखते हैं और श्री राम जन्मभूमि का केस 1949 से हिंदू महासभा लड़ रही है। और हमारे मुंह में 2010 में जो निर्णय आया था जिसको रुकवाने के सुप्रीम कोर्ट से काफी प्रयास किए गए थे, लेकिन हिंदू महासभा ने लगाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा जो जजमेंट आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब अपील है, जिसमें मैं भी अपील करता हूं। अपील नंबर 2636 है। ये कहा गया था, वचन दिया गया था कि सरकार बनने के बाद कानून बनाएंगे, लेकिन कानून की कोई चर्चा नहीं होती। अतः ज्ञापन में आज 17 सितंबर 2017 चुकी, इसलिए पहले मैं वो कर दे रहा हूं ताकि यहां पे कई पत्रकार हैं उस बात को पूछना चाहते थे, मैं बैठा था तो मैंने कहा मैं बोल देता हूं, इसके बाद बैठा रहूंगा, सभी वक्ता अपने अपने विचार रखेंगे। आज 17 सितंबर 2017 को ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि केंद्र सरकार अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण गोरक्षा केंद्रीय कानून तथा गंगा यमुना की विरलता निर्मलता है, इस संसद से जल्द से जल्द कानून बनाए। दूसरा, जो संतों की हर संत दो कुछ संतों को देख करके कहा जाता है मीडिया में, जो हमारे पूज्य घनश्यामानंद जी कह रहे थे कि संतों को ऐसा प्रस्तुत किया जाता है मीडिया प्रस्तुत करी कि सब संत जो है बहुत पैसे वाले हैं बहुत, जबकि ऐसा नहीं जानते कि संत कितना त्याग करते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर संतों को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था दी जाए। हमने कई संतों को देखा है जो चिकित्सा के अभाव में प्राण को त्यागते हैं। तीर्थाटन की आप ये देखो मक्का मदीना के लिए कितनी छूट मिलती है हज के लिए, और हमारे संत अगर जो कहीं तीर्थ पे जाता है अमरनाथ पे जाता है तो उस पर टैक्स लगाए जाते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर संतों को निःशुल्क चिकित्सा एवं तीर्थाटन की व्यवस्था दी जाए। ये संतों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को रोकने हेतु जो हमारे पूज्य दाता जी महाराज ने कहा है, रोकने हेतु अन्य आयोग की तर्ज पर संत आयोग का गठन किया जाए। कोई भी संतों के खिलाफ एक एप्लीकेशन देता है, शिकायत देता है, पुलिस आती है, बाबा जी चलो, पुलिस तो कम से कम पुलिस सब कुछ समझती है, वो तो आती है सम्मान करती है, नहीं बाबा जी मैं समझता हूं गलत हो, लेकिन तब तक वो मीडिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संचालित होती है, बाबा को पकड़ लो, बाबा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब इतना चलाती है कि उस बेचारा पुलिस वाले के ऊपर से दबाव आता है, अरे नौकरी चली जाएगी बाबा को पकड़ लो,
तो बाबा को पैर छूता है, बाबा मेरी नौकरी है, बाबा ये सोचता है ये बेचारे का नौकरी चली, चल मैं तुम्हारे लिए जेल भी चला जाता हूं। इस तरह तो बेचारा बेकसूर संत जेल चला जाता है, न उसमें पुलिस वाले का दोष है, ये दोष व्यवस्था की है, ये दोष ऊपर बैठे हुए सत्ताधारी लोगों की है। इसलिए संत आयोग का गठन बहुत ही आवश्यक हो गया है। तीसरा, संतों के खिलाफ मीडिया ट्रायल को रोका जाए। एक संत पकड़ा जाता है, इतनी ट्रायल कराई जाती है कि पूरे संत समाज, एक कोई नेता पकड़ा जाता है, एक एक जघन्य कामों में पकड़ा, क्या सभी नेताओं पे दिखाता है क्या कि नेता सब भ्रष्ट है, सब बेईमान है पूरे संसद में? एक किसी ने, साध्वी प्राची ने बोल दिया था कि संसद में बलात्कारी बैठे, उसको नोटिस चला गया। अरे तुम पूरे संतों को भ्रष्टाचारी कहते हो, बेईमानो, तुम्हें नोटिस आखिर कौन भेजे? इसलिए मीडिया ट्रायल को रोकना होगा संतों के खिलाफ जो गलत मीडिया ट्रायल है। अरे एक सजा किया, एक अपराध किया तो एक अपराध की सजा एक होती है, लेकिन संतों में ऐसी व्यवस्था होगी, संत अगर एक कोई गलती से जेल चला गया, आरोप लग गया, उसकी आश्रमों की खुदाई तक कर दी जाती है, उसको पूरी बर्बाद करने का प्रयास कर दिया जाता है, उसकी मान सम्मान सब कुछ को जितना हो सके बर्बाद करने पे। तो ये कोई यहां की लोग नहीं कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो मीडिया है, मीडिया को संपादक नहीं चला रही, मीडिया को मालिक भी नहीं चला रहे, मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गाइड हो रहा है, वहां से फंडिंग दिया जाता है, पैसा लो इसके खिलाफ ठोको। तो इसलिए सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाए कि संतों के खिलाफ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है उसको रोका जाए। दूसरी अभी अखाड़ा की बात है, अजय जी ने भी अखाड़ा के बारे में बोला, घनश्याम मंदन जी महाराज ने बोला अखाड़ों के लिए संत महासभा ने निर्णय लिया है, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अगर मेरी बात सही हो, सब लोग ओम का उच्चारण अंत में करेंगे, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने जो जारी किया सूची, उस पर ये संत महासभा की तरफ से प्रस्तुति है, और बिना भेदभाव किए परमात्मा को साक्षी मान करके इस प्रकार के संत समाज ने निर्णय लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिनांक 10/9/2017 को, अरे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिनांक 10/9/2017 को अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी की अध्यक्षता में, यह महंत हरि गिरी जी के प्रस्ताव पर, कथित फर्जी संतों की सूची पर चिंतन मनन के बाद यह अंतिम निर्णय लिया गया है कि उक्त सूची दुर्भावना यूं अपनी नाकामियों को छुपाने के उद्देश्य से अखाड़ा परिषद द्वारा जारी किया गया था। जो धर्म सम्मत और संवैधानिक भी नहीं है, इससे न सिर्फ हिंदुत्व को नुकसान होगा बल्कि धर्म परिवर्तन को भी बल मिलेगा। अतः दिनांक 10/9/2017 के कथित फर्जी सूची को तत्काल प्रभाव से संत महासभा द्वारा निरस्त किया जाता है। तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, और यह सुझाव दिया जाता है कि जिसके घर शीशे के होते वो पत्थर वालों पे ईंटा नहीं फेंकते। वतन की फिक्र करना दाह मुसीबत आने वाली है। आज अगर बापू फंस गए, राम रहीम जी फंस गए, अगर रामपाल जी फंस गए, तो ये नहीं कि अखाड़े के लोग बचे रहोगे। वतन की फिक्र करना दाह मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, फना हो जाओगे अगर न संभले तो अखाड़ों वालों, तेरी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में।